बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कुछ डिफरेंट फार्मूला जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंकेटिनेट, कि कंकेटिनेट का फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। कंकेटिनेट यूज किया जाता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास है एक फर्स्ट नेम और दूसरा है सेकंड नेम। अगर हम इन ये दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंकेटिनेट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं इजिकल टू। इजिकल टू करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही कंकेटिनेट लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन, उसके नेम्स आ जाएंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि ढेर सारी जो आपके पास होती है स्ट्रिंग्स उनको आप एक ही स्ट्रिंग के अंदर कंकेटिनेट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे हमें ये कहता है टेक्स्ट वन, यानी कि आप जिन स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करना चाहते हैं उन स्ट्रिंग में से पहले वाली को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे कोमा लगाना है, और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट टू यानी कि ये वाला जो नेम होगा उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके नेम के अंदर तीन नेम्स आते हैं, आपकी आपका नेम जो है वो तीन स्ट्रिंग्स पर मुश्तमिल है, तो आप यहाँ पे तीन जो है वो कोमा लगाने के बाद थर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइन हो चुकी है। स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे इसके अंदर मजीद स्पेस भी देना चाहते हैं तो सिंपल आप लोगों ने ये कंकेटिनेट का फंक्शन लेना है। यहाँ पे आपने ये पहले स्ट्रिंग को कंबाइन करना है, उसके बाद आपने कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं, और इन्वर्टेड कोमास लगाने के बाद एक सिंगल स्पेस दे देनी है। अगर आप सिंगल से ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं, डबल स्पेस देना चाहते हैं, तो दो दफा स्पेस को प्रेस कर दें, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास लगाएं और फिर कोमा लगा दें। कोमा लगाने के बाद आपके पास जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं ऊपर वाली स्ट्रिंग में और नीचे वाली स्ट्रिंग के अंदर जो है हमारे पास ज्यादा स्पेस आ चुकी है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप जितनी भी लेना चाहें तो आप इसके ऊपर इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है जो है हमारे पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि आप किसी भी वैल्यू का जो जजर लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम किस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज करेंगे हमारे पास जो है वो एक अमाउंट है 16, तो मैं 16 का एक जजर ले लेती हूँ। इंग्लिश में उसको स्क्वायर रूट कहेंगे, इक्वल टू SQRT। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगी और उसके बाद आपने जिस भी अमाउंट का स्क्वायर रूट लेना है उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट मैं यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट लेके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसी तरह से हम लोग किसी भी और अमाउंट का लेना चाहते हैं तो वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट में हमारे पास है जी टुडे। टुडे का फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और इसका क्या आंसर आता है, यहाँ से ये देखते हैं। स्टूडेंट आप लोगों ने लगाना है इक्वल टू टुडे, यहाँ पे आपने टुडे लगाना है और ब्रैकेट्स लगा देनी है। इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने कोई भी डाटा मेंशन नहीं करना, इक्वल टू टुडे लगाना है और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और क्लोज करनी है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो जो करंट डेट होगी आपके सिस्टम के अंदर जो भी डेट इंस्टॉल है और वहां पे जो है वो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि डेट हमारे पास आ चुकी है। ये जो आज की डेट होगी वही डेट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो है नाउ की। तो हम नाउ का फंक्शन देखते हैं कि नाउ के फंक्शन में क्या डिफरेंस आता है। तो इक्वल टू आपने लगाना है इक्वल टू नाउ, जस्ट इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद आपने सिंपल इसको एंटर प्रेस करना है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे अगर आपके पास इस तरह की ऑप्शन आती है तो इट डजंट मीन कि आपने अपना फार्मूला फंक्शन गलत कर दिया है। इसका मतलब है कि आपके पास जो डेटा आया है उसके लिए जगह कम है और आप यहाँ से इसकी स्पेस को बढ़ाएं। आप जैसे ही इसकी स्पेस को मजीद बढ़ाएंगे तो ये देखें आपके पास डेटा जो है वो सही तरीके से आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग नाउ के फंक्शन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये करंट डेट भी दिखाता है, जो भी आज की डेट होगी वो भी दिखाएगा, और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो भी आपका करंट टाइम होगा, इस टाइम आपके सिस्टम के अंदर आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जो भी टाइम आ रहा होगा वो टाइम भी आपको यहाँ पे शो करवा देगा। तो नाउ का फंक्शन जो है वो ये दोनों चीजें परफॉर्म करता है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है जिसमें आ रहा है अपर केस और लोअर केस। अपर केस में क्या चीज होती है, यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू अपर। आप जैसे ही अपर की स्पेलिंग लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे वो आपके पास फार्मूला शो कर देगा। सिंपल आपको वो कहता है कि यहाँ से अब आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसको आप अपर केस में करना चाहते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और एंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया था यहाँ पे वो स्मॉल ABC के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो अपर केस में आ रहा है, यानी कि सारे कैरेक्टर जो है वो कैपिटलाइज हो चुके हैं, बड़ी ABC में लिखे गए हैं।
इसी तरह से सेम स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने लोअर केस मेंशन करना है, तो यहाँ पे आप लोअर का फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और अगेन आप लोग कोई भी टेक्स्ट जो है वो आपके पास परफॉर्म करेंगे। आपने सिंपल मैं इसी को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगेन जो मेरे पास अपर केस में आ रहा था टेक्स्ट वही लोअर केस में आ चुका है। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे ये देखा है कि किस तरह से हम अपने नेम वगैरह को अपर केस में लोअर केस में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है वो नाउ का फंक्शन लगा के डेट एंड टाइम इकट्ठी ले सकते हैं। डिफरेंस नाउ और टुडे के अंदर यही होता है कि नाउ के अंदर हमें टाइम भी बताता है जबकि टुडे के अंदर जस्ट हमारे पास डेट आती है। स्केयर रूट अगर आपने किसी भी अमाउंट का लेना है, जेजर लेना है, तो आप सिंपली वो यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कंकेटिनेट का फंक्शन यूज करना है, आपके पास दो नेम्स हैं और दोनों अलग अलग कॉलम में लिखे हुए हैं, तो आप उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं कंकेटिनेट के फंक्शन से। आप उनको एक ही कॉलम के अंदर लिख सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी फॉर्म ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं, वहां पे ऑप्शन आ रही होती है फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम, उसके अलावा सेकंड हमारे पास कॉलम आ रहा होता है या टेक्स्ट आ रहा होता है उसके अंदर लिखा होता है सेकंड नेम, मिडल नेम, थर्ड नेम, वो सारे नेम डिफरेंट डिफरेंट आ रहे होते हैं। वो सारे नेम आप लोगों के पास बैकएंड पे किसी न किसी टेबल के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। अगर आपको वहां से उन्हीं नेम्स को कंबाइन करना है और एक ही कॉलम के अंदर जो है वो उनको मेंशन करना है, तो वहां पे बहुत इजीली जो है कनकैटिनेट का फंक्शन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप जब भी कभी भी ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करें तो आप अपने माइंड में ये बात जरूर रखिएगा कि हम लोग उसको कनकैटिनेट के फंक्शन से कंबाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की बात समझ में आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कindly लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।